से है, बीएड अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। इन लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई। कल से लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कल से लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। BA TET अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन इन लोगों की गुहार कोई सुन नहीं रहा है। अर्धनग्न होकर भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें देख सकते हैं। और कुछ महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल थीं, जिनमें से एक महिला बेहोश हो गई। फिर भी इनकी सुनने वाला कोई नहीं आया। कल से इनका प्रदर्शन लगातार जारी है महात्मा चौक पर, वहीं पर ये लोग खड़े भी हैं। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के विधायक है, विधानमंडल दल के नेता भी हैं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। बहुत स्वागत अजय जी आपका। ये सब क्या हो रहा है और इसके पीछे वजह क्या है? कौन इनकी बात नहीं सुन रहा है? आप तो वहां मौके पर पहुंचे भी हैं। देखिए, ये 2011 से ये TET अभ्यर्थी जो है जी लगातार अनवरत संघर्षरत है, और 72,825 पदों का मामला है जी। और ये इनकी एक बार काउंसलिंग भी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया, हाई कोर्ट ने भी आदेश किया, और इनकी ज्वाइनिंग करानी चाहिए थी सरकार को, लेकिन सरकार लगातार इनकी अनदेखी कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी उस समय लगातार इन्हीं TET शिक्षकों की बात करती थी। अजय जी, वो तो ठीक बात है, लेकिन जब कोर्ट ने कह दिया तो इसमें अड़चन क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, आप जैसा कि बता रहे हैं, तो फिर अड़चन कहाँ आ रही? पेच कहाँ फंस रहा है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है केवल जुमलों पर आधारित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हाँ। सरकार कहीं भी रोजगार देने के प्रति प्रतिबद्धित नहीं है, संकल्पित नहीं है। 70 लाख रोजगार देने की बात की थी 5 साल में, और 14 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कही थी। आप देखें, अभी कुछ दिन पहले 12,460 शिक्षकों को एक हफ्ते में ये केवल नियुक्ति पत्र देने की बात कर रहे थे। 72,835 शिक्षक जो 2011 से लगातार लंबित है, और इन लोगों को लगातार चुनावी भाषणों में आश्वासन देते हुए कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम आपको तत्काल भर्ती लेंगे। 3 लाख का उपमा उस समय देते थे कि 3 लाख शिक्षक इस प्रदेश को जरूरत है, लेकिन ये सरकार इनके प्रति कहीं से प्रतिबद्धित नहीं है। और मैं आज इनके बीच में गया, कल